नालंदा का ऐतिहासिक अजीजिया मदरसा जहां अक्सर राख बाकी दंगाइयों ने आग लगा दी, सैकड़ों साल पुरानी किताबें जलकर राख हो गई। लाइब्रेरियों का जलना कोई नई बात नहीं, आज से सैकड़ों साल पहले हलाकू खान ने भी बगदाद में कई सारी लाइब्रेरियाँ जलाई थी। अब ना तो वह हलाकू खान है और ना ही उसका मंगोल साम्राज्य, तुम भी मरकब जाओगे, साम्राज्य से तुम्हारे पास पैसे भी नहीं। एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा है, वो भी एक दिन कुरान के वारिस हो जाएगा। ये साजिश और नफरत की नई आंधी चलाने से, ये साजिश और नफरत की नई आंधी चलाने से, ये हिम्मत आजमाने से, ये दीवारें गिराने से, किताबों को जलाने से, विरासत मिट नहीं सकती तुम्हारे यूं मिटाने से। ये साजिश और नफरत की नई आंधी चलाने से, ये हिम्मत आजमाने से, ये दीवारें गिराने से, किताबों को जलाने से, विरासत मिट नहीं सकती तुम्हारे यूं मिटाने से। जो दीवारों पे नफरत की निशानी छोड़ आए हो, जो दीवारों पे नफरत की निशानी छोड़ आए हो, तुम्हें एहसास भी है क्या कहानी छोड़ आए हो। लगाकर धर्म का नारा जला दी बस्तियाँ तुमने, लगाकर धर्म का नारा जला दी बस्तियाँ तुमने, कई रोती हुई आँखों में पानी छोड़ आए हो। किताबों को जला दोगे मगर जो राख बिखरेगी उसी को घोल कर हम फिर नई स्याही बनाएंगे। किताबों को जला दोगे मगर जो राख बिखरेगी उसी को घोल कर हम फिर नई स्याही बनाएंगे। उसी मकतब में गूंजेंगे तराने फिर से चाहत के, कलम कागज़ लिए हाथों में बच्चे मुस्कराएंगे। मोहब्बत की इबारत को भला कैसे मिटाओगे, मोहब्बत की इबारत को भला कैसे मिटाओगे, हमारी इस विरासत को भला कैसे मिटाओगे। ये साजिश और नफरत की नई आंधी चलाने से, ये हिम्मत आजमाने से, ये दीवारें गिराने से, किताबों को जलाने से, विरासत मिट नहीं सकती तुम्हारे यूं मिटाने से।